हाल ही में मुंबई में श्रद्धा कपूर, यामी गौतम और शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू का ट्रेलर लॉन्च किया गया। यहां इस फिल्म से जुड़ी पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई। देखिए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। देख भाई, ऐसे ही होता है जब तू एक्टर की स्क्रिप्ट चुरा के उसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ऐसे घुस जाता है। पर ये स्क्रिप्ट मेरी है। अबे 2 मिनट के लिए लाइट क्या गई, तू तो बीच में रुक गया भाई। ये स्क्रिप्ट तेरी है? हां, मैंने ही लिखी अपनी मेहनत से, वो चली नहीं। अच्छा, पिक्चर भी तेरी होगी भाई फिर तो? नहीं, पिक्चर तो आपका स्क्रिप्ट अवेलेबल है। मैं तो अच्छा, अगर ये तेरी स्क्रिप्ट, तो एक काम करते हैं, तो जोक मार, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अगर मैंने तुझे पकड़ लिया, मतलब स्क्रिप्ट मेरी है। ठीक है, मार। तो मेरा नाम गौरव, तेरा नाम भी गौरव है। तेरे को बोला हम लिख करके लाया करते, तू लगा बड़ा बम्बू देने के लिए बीच में। तो अगला जोक मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, इस प्रकार है। मुझे ऐसा लग रहा है तू ही मार ले, मैं नीचे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप रहो यहाँ पे। अगला जोक कुछ इस प्रकार है कि आपको याद होगा जब घर में लाइट जाती थी ना, तो मोमबत्ती आती थी। हाँ, मोमबत्ती में हम पढ़ाई किया करते थे, है ना? और मोमबत्ती के छोटे छोटे बल्ब बना के रखा करते थे, क्योंकि रियल वाले तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और एक और काम किया करते थे मोमबत्ती से, हम कीड़े जलाते थे। सेडिस्टिक प्लेजर मिलता था उससे, मच्छरों को भी जला देते थे हम लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रैकेट तो अभी आया ना। हाँ, ऐसे कुछ था ना तेरा जो अगला वाला बोल भाई। पर यार आपने जलाया कभी मोमबत्ती से मच्छर? क्या मजा आता है यार कसम से। उसके अलावा वो भी तो था ना, जब लाइट जाती तो घर में पंखा भी आता, वो घर में वो हाथ वाला कट्टे वाला पंखा आता था, है ना? और उससे मम्मी पंखा मार मार के डोले बना लेती थी, है ना? ऐसे कुछ जोता तेरा? वही डोले वाला चांटा तो मुझे पड़ा था मीर के टाइम पे भाई। अब क्लियर हो गया? हाँ, मतलब ये मेरी पिक्चर का लॉन्च है, मेरी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी आपकी है। तो भाई अब तू क्यों चले जाना यहाँ से? देखो, मैं आके चेक तो हो ही चुका हूँ और पूरा पेमेंट भी आ चुका मेरा, ठीक है? तो मेरे को रहने दो अपने साथ थोड़ी देर, 2 मिनट में आपके साथ बस। चल तू दिल्ली, थैंक यू। लेडीज एंड थैंक यू वेरी मच। और आफ्टर हैविंग दैट लिटिल बिट ऑफ फन, अब कुछ नॉटी नॉटी बातें करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारी फिल्म की हीरोइन, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रद्धा कपूर, द वन एंड ओनली नॉटी। तो श्रद्धा, मैं पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म में आपने ऐसे कौन सी नॉटी हरकत की है जिसकी वजह से आपका नाम ही इस फिल्म के अंदर नॉटी पड़ गया? करेक्ट, मेरा नाम इस फिल्म में, एक्चुअली मेरा निकनेम है नॉटी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे नॉटी बुलाते हैं मेरे फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरा रियल नेम है ललिता नॉटियाल, तो लोग मुझे प्यार से नॉटी बुलाते हैं। Wow. और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे दुनिया की बेस्टेस्ट डिजाइनर हूँ, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इतनी अच्छी डिजाइनर नहीं हूँ, पर सिर्फ मुझे ही लगता है कि मैं सबसे बेस्ट डिजाइनर हूँ।